यह फेमस और सबसे प्रसिद्ध मंदिर संत बाबा जी का मंदिर है, जो कि नालंदा जिला में पड़ता है। और यहाँ पे जो है कि दूर दूर तक कोई भी मतलब कि खाली फील्ड नहीं है, मैदान ही है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी आसपास में घर भी नहीं है। यह संत बाबा आश्रम करके यहाँ पे जो है कि नालंदा में इस मंदिर का बनाया गया है। संत आश्रम न्याय समिति। और यह पीपल का पेड़ इतना ही पुराना है, इतना पुराना है कि इसके लिए कहा नहीं जा सकता है। इनकी डालियाँ जो है कि नीचे पे जो है कि ना ईंट के पिलर बना करके सपोर्ट दिया गया है। और इसके पीछे जो है एक बड़ का पेड़ है। ऐसा बोला जाता है कि इस मंदिर का कमेंट में जय श्री कृष्ण हर हर महादेव लिख दीजिए प्लीज। यहाँ पे बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा है, बारिश इतना ज़्यादा तेज़ हो गया, जब से यहाँ है तब से बारिश होते ही रहता है। ये देख सकते हैं बड़ का पेड़ बहुत ही पुराना और बिखरा है, आज से नहीं कई वर्षों से है, बहुत ही पुराना यह बड़ का पेड़ है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, हर महादेव। यही है यह बड़ का पेड़, बरसों पुराना यह बड़ का पेड़ आज भी वैसा ही है। और इसकी डालियों को पिलर दे करके रखा गया है। जय श्री कृष्ण। फिर से एक बार कभी और भी आएंगे तो इस मंदिर को ड्रोन से वीडियो करेंगे। अभी तो हमारे पास ऐसा साधन उपलब्ध नहीं है कि हम आपको बहुत सारी वीडियो दिखाएं। अब हमें चलना चाहिए इनके पास में। यह पीछे से देखने पर कुछ ऐसा दिखता है गाइस, यह संत बाबा जी का जो मंदिर है ना, बहुत ही पुराना नालंदा जिला में है। यहाँ पे मतलब कि संत बाबा जी का मंदिर का बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि एक एकड़ में बना हुआ है। इस मंदिर के कुछ कहानियाँ हैं, जैसे कि इस मंदिर को इसलिए इस बाबा जी जो थे संत बाबा जी, उनकी कुछ कहानियाँ हैं जिसके कारण यह मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है। आज से 10 से 15 ज़्यादा दिनों का बात नहीं है, 15 सालों का ही बात है। 15 साल पहले ही जो है कि इस मंदिर को बनाया गया था। उनके बारे में कहा जाता है कि जब एक बार भूकंप आया था तब वो दब गए थे अपने कुटिया में, जो कि 6 महीनों तक के लिए दबे हुए रह गए थे। और उनके बावजूद भी वो जीवित ही रह गए। उन्हीं के यादों और कारण में यह मंदिर बनाया गया है, जो कि अभी भी कार्य प्रगति पे ही है। नए नए दीवार और पिलर जो भी लगे हुए हैं, और यह बड़ का पुराना पेड़ अभी भी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण हर हर महादेव।